हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे और साथ साथ में एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। चलिए जी, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली मेंस वैल्यू एडिशन को दोबारा स्टार्ट किया है। यहाँ पे एक आधी एग्जांपल जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है और उस एग्जांपल और या उस इशू के बेस के ऊपर आपको मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम प्री के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया इम्पैक्ट के क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इवन ऐसे के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया कहाँ कहाँ पे एरिया में वुमेन की प्राइवेसी या अलग अलग चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट हम लिखते हैं, वहाँ पे जुडिशरी के ऊपर इम्पैक्ट क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है अटैक ऑन जुडिशरी इन मीडिया पार्टिकुलरली सोशल मीडिया, उसके बारे में बात की है कि जजेस की जो जजमेंट है उसके ट्रोल किया जाता है, अलग अलग से उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है जो इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। हालांकि पहले भी केसेस हुए हैं और ये बोला भी गया है कि जो जजेस की खास करके है ना, जैसे प्रशांत भूषण वाला केस हुआ था कि जब जजेस को बोला गया उसने बोला मैंने जज को बोला है, मैंने जुडिशरी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। यूके वगैरह कंट्री ऐसी कंट्री हैं वहाँ पे तो जजों को बहुत ज़्यादा बोल दिया था। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि ये पर्सनल मैटर है, जुडिशरी की यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो जज ने बुरा भी नहीं माना था। तो इंडिया कंटेक्स्ट के अंदर ये इशू के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर एज वेल एज इम्पोर्टर ऑफ हींग, ठीक है दोस्तों। ऐसा फोइटीडा जो नाम है, ठीक है, चलो ये न्यूज़पेपर में नाम आया तो नाम वहाँ पे लिखा है, वैसे हींग यूपीएससी यूज़ कर लेगी। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर एज वेल एज इम्पोर्टर ऑफ सेफ्रॉन। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ द पल्सेज इन द वर्ल्ड। तीन स्टेटमेंट है, वन एंड टू ऑल ऑफ द, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यूपीएससी इन 2018-19, है ना, जो हमारे पास डेटा है गवर्नमेंट साइट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको 2018-19 ऐड कर सकते हैं। यूपीएससी कर देगी तो आपको वही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, आंसर अपना आता है 2 और 3। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये है द हिंदू के अंदर आर्टिकल, ठीक है जी। इसके बारे में पढ़ते हैं, बैकग्राउंड ये बोलेगी कि जो हींग है बेसिकली ये कहाँ से, अगर हिस्ट्री ट्रेस करें महाभारत के टाइम के ऊपर चल रही है, भगवता पुराना के अंदर भी बोला जाता है, उसके अंदर लिखा है कि हींग डीटी की वर्शिप करने से पहले नहीं खानी चाहिए। सो यूपीएससी पूछेगी क्या वहाँ पे मेंशन है, हाँ मेंशन है, बस इतना याद रखना। और ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो इम्पोर्ट कर रहा है 12th century BC, इतने टाइम से इंडिया इम्पोर्ट ही कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर एज वेल इम्पोर्टर, ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि अगर मैं बात करूँ जो इंडियन एक्सप्रेस है, थोड़े दिन उसके अंदर एक आर्टिकल आया था, वहाँ पे ये लिखा है उन्होंने कि इंडिया जो है उसको प्रोड्यूस ही नहीं करता, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आए, एक तो भाई आपसे पूछा जाता है प्रोडक्शन कंजप्शन के बारे में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हमने कर लिया क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, जैसे कॉटन वाला क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्री के अंदर के, यहाँ ऊपर आपको क्लाइमेटिक कंडीशन दी है कौन सी क्रॉप है, तो उसी तरह जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है दोस्तों, ये बेसिकली जैसे कोल्ड डेजर्ट कंडीशन है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखो हिमालयन रीजन के अंदर गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है कि इसको बढ़ाया जाए, ठीक है जी। सॉयल वेरी लिटिल मॉइस्चर चाहिए वहाँ पे, एनुअल रेनफॉल नॉट मोर देन 200 mm, ठीक है जी। अब यहाँ पे इंडिया इतनी प्रोडक्शन तो करता नहीं इसकी, तो इम्पोर्ट कहाँ से करता है, ईरान अफगानिस्तान ऐसी कंट्री से इंडिया मेजरली इम्पोर्ट करता है। इवन जो सेफ्रॉन भी है वो भी अफगानिस्तान वगैरह कंट्री से इम्पोर्ट भी करता है, तो एक्सपोर्ट भी करता है इम्पोर्ट भी करता है दोस्तों। एफर्ट क्या है, CSIR कर रही है इसके अंदर मिशन टू ग्रो हींग इन इंडियन हिमालयस, हिमालयस के अंदर यहाँ पे जो ग्रो करने के एफर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पल्सेस का देखें तो क्या बताता है डेटा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन है, कंज्यूमर है 27% ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर कंजप्शन, और इंपोर्टर है 14% ऑफ पल्सेस का वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा पल्सेस अकाउंट फॉर 20% ऑफ द एरिया अंडर फूड ग्रेन, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट 7-10% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन कंट्री। सेफ्रॉन के बारे में करें तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर एज वेल एज इम्पोर्टर ऑफ सेफ्रॉन, तो इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेफ्रॉन ही ऑलमोस्ट सेम एरिया से इम्पोर्ट करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सेफ्रॉन ये और इम्पोर्ट, तो यहाँ पे इम्पोर्ट बढ़ रहा है और जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है और जो फार्मर भी हैं वो अलग अलग दूसरे जो ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयमेंट के वहाँ पे भी जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली द टर्म अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर सीन इन न्यूज़, दीज आर, ये क्या है, किससे रिलेटेड है, सुपरमैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, फास्ट रोटेटिंग पल्सर विद वीक मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन स्टार विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, डार्क मैटर क्लम्प्स बिटवीन गैलेक्सीज।
तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, ठीक है जी, चार ऑप्शन है, तो इसके अंदर आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों थर्ड सी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे द हिंदू के अंदर आर्टिकल है तो इसके ऊपर बात करेंगे। साइंटिस्ट स्पॉट अ ब्लिंकिंग स्टार टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। देखो दोस्तों स्टार की एक लाइफ है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो लाइफ है ना, कि स्टार्टिंग इन द गैसेस से, जो अगर मान लीजिए सन, सन के कंपेयर करते हैं कि सन के कंपेयर कितना जो मास है, अगर मान लीजिए सन के अप टू 1.5 टाइम्स है उस स्टार का सन के कंपैरिजन, तो वो ब्लैक ड्वार्फ लास्ट में बन जाएगा। अगर 1.5 से 3 टाइम्स है न्यूट्रॉन बन जाएगा, अगर उससे भी ज़्यादा तो ब्लैक होल बन जाता है। इसीलिए ब्लैक होल, अगर आपने हमारे लेक्चर देखे होंगे, ब्लैक होल के अंदर हम बहुत बार मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, क्योंकि वो बहुत ही कंडेंस हो जाता है, ठीक है, रेडियस उसका बहुत कम हो जाता है अब, और मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि न्यूट्रॉन स्टार की, ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमने ध्यान देना है। अब जैसे मान लीजिए स्टार है वो स्पिन करता है, जैसे उसकी अल्टीमेटली डेथ होती है, तो स्पिन करता है तो रेडियो वेव्स वगैरह वहाँ पे जनरेट करता है। अब उस जो जनरेशन है उसकी, है ना, जो लाइट हमें देखने को मिलती है, उसके बेस के ऊपर हम देखते हैं कि स्टार कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन ये वाला जो है सॉरी, यहाँ पे जो हमने देखा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, ये पहले पैटर्न से अलग है। साइंटिस्टों ने एक ख्वाब सजाया, उन्होंने बोला मैग्नेटार के बारे में, बोला कि ऐसा हो सकता है ना, कि मैग्नेटार्स जो हैं वो इस तरह बिहेव करें, लेकिन पहले देखा नहीं था, अब देख भी लिया और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये वही है। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल स्टार जो हैं, है ना, बाद में पल्सर है, पल्सर्स आर न्यूक्लियर स्टार्स, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन इनके अंदर उससे भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। सो यहाँ पे इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं पल्सर की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है दोस्तों, और रोटेट जो करता है वो बहुत ही फास्ट करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैग्नेटार की बात कर लेते हैं, मैग्नेटार के अंदर क्या है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग लगा लो, उसकी वजह से ये जो सराउंडिंग गैस है उसके साथ इंट्रैक्ट करता है और जो इसको स्लो डाउन कर देती है, स्लो डाउन, तो इसकी रोटेशन स्लो डाउन है, ठीक है जी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोबारा, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपना सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पल्सर विद वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये रूल आउट हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया वैक्सीन्स एंड मेडिसिन रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ CDSCO बिफोर दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड। सेकेंड है, CDSCO परमिशन इज नीडेड फॉर द एमरजेंसी और रिस्ट्रिक्टेड एमरजेंसी अप्रूवल टू ड्रग्स। थर्ड है, इंडियाज ड्रग रेगुलेशन डू नॉट हैव प्रोविजन फॉर एन एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। तो ये क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास के अंदर हमने अप्रूवल के वैक्सीन ट्रायल का कैसे अप्रूवल होता है वो, अगर मैं बात करूँ तो वो है जिसके ऊपर, अगर मैं सपोज करो अप्रूवल के ऊपर कोई क्वेश्चन हम सोचते हैं कि आना चाहिए, तो दो क्वेश्चन मेजर बनते हैं। एक तो नॉर्मल ड्रग का अप्रूवल कैसे होता है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा, वहाँ पे क्या क्या पावर है, 2019 रूल्स भी देखे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि भाई बाकी अगर मान लीजिए कोई ड्रग एमरजेंसी अप्रूव करनी हो तो क्या उसके अंदर इंडिया के अंदर कुछ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से ये हो सकती है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखते हैं, फर्म सीक बूस्टर नॉट फॉर स्पुतनिक लाइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, अगर आपने वैक्सीन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर स्लीपी क्लासेस जाओ, वहाँ पे रिवीजन सीरीज होगी जो भी रिसेंटली लास्ट ईयर के अंदर एंड में हमने प्री से पहले ली थी। रिवीजन सीरीज के अंदर साइंस एंड टेक का पहला लेक्चर देखना, वो सिर्फ वैक्सीन के ऊपर है, कैसे काम करती है, कितने टाइप की वैक्सीन हैं, हर एक वैक्सीन के अंदर क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका बेनिफिट और नुकसान क्या है, ये सारा आप एक बार देखना है बस, उसके बाद आपको वैक्सीन वाला काम में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे पहले स्पुतनिक 5 भाई, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर शेयर नहीं, अगर आप देखो कोविशील्ड वगैरह चल रही है, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली बूस्टर डोज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई कि एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, कि जब स्पुतनिक 5 आई थी उसको एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के थ्रू लेके आए थे। क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी जब ये लिखेगी कि इंडिया के अंदर कोई, पहली स्टेटमेंट आई कि इंडिया के अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है,
जो इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन के लिए, सेकंड इंडिया के अंदर इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन जो है वो इन्होंने प्रोवाइड की है, मतलब कुछ वैक्सीन है जो इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन के थ्रू अप्रूवल उनको मिला है। तो अब वहां पे दोनों कॉन्ट्रेरी स्टेट्समेंट्स है, तो वहां पे आपने ध्यान रखना है, बस वहां पे गलती नहीं करनी। इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन क्या होता है भाई, अब बहुत इमरजेंसी है ना, अब जैसे वैक्सीन आई, वैसे तो 10-10 साल लग जाते हैं, तो अब जल्दी जल्दी वैक्सीन आई तो लोगों की जो डेथ हो रही थी बहुत ज़्यादा है ना, इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा था कोविड का, तो ड्रग तो अप्रूव करनी थी, इसीलिए इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन की बात होती है। इसके लिए भी इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है CDSC होगी, ठीक है जी। अब बात ये करते हैं कि जो इमरजेंसी सिचुएशन है ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो डिफाइन है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US, वहाँ पे उन्होंने रूल बनाए हुए हैं। उन्होंने बोला कि जो ट्रायल होते हैं Phase 1, Phase 2, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, जो थर्ड ट्रायल है ना दोस्तों, वहाँ पे जाके आपको कुछ डेटा देना है गवर्नमेंट को कि हाँ इसका जो बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है, तो फिर उसको अप्रूव हम कर सकते हैं, ये उन्होंने क्लियरली बोला। लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी हमें यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो लिखा हुआ है वो हमें देखने को नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर क्लैरिटी नहीं दी कि कैसे ये अप्रूव करते हैं, बस गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेमडेसिविर वगैरह कुछ ड्रग्स हैं जो पास्ट के अंदर अप्रूवल मिला है, सो UPSC वाले ड्रग एंड वैक्सीन दोनों को यहाँ पे अप्रूवल देते हैं और दिया है रिसेंट टाइम में, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी, क्या कंसिडर कर सकते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस, बायोमेट्रिक्स, फोटोज ऑन फेसबुक, डाउनलोडिंग एप्स, 1 and 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, ऑल ऑफ द वॉइस आंसर। गवर्नमेंट मूव्स प्लान टू लिंक डिजिटल आईडी, यहाँ पे प्लान है, ठीक है दोस्तों। स्टेक होल्डर के कमेंट गवर्नमेंट ने मांगे हैं, यहाँ पे जिस चीज़ की बात कर रहे हैं इसीलिए उसके ऊपर मैंने डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनाया, ये जिस कंटेक्स्ट के अंदर टॉपिक है उसके डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया, क्योंकि भाई अभी गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे अभी तो प्लान के बारे में व्यू देंगे है ना, वहाँ पे कमेंट आएंगे, उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट ने ये बोला है फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज बनाएंगे, ठीक है, और ये प्लान जो है INT EA, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है इसका, इसके अंदर क्या है कि हमने जो डिजिटल आर्किटेक्चर जो है अपना IT आर्किटेक्चर वगैरह उसको बढ़ाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो रीज़न क्या है, देखो दोस्तों मान लीजिए कि पैन कार्ड है, आधार से लिंक कर दो, उसके बाद जो फूड वगैरह के लिए है ना, जो भी राशन कार्ड है राशन कार्ड से लेके वो आधार से लिंक कर दो, म्यूचुअल फंड के अंदर कर रहे हो आधार से, तो अलग अलग जो अपनी डिजिटल IDs हैं इन सभी को लिंक करना है एक के साथ, ठीक है, फेडरेटेड, यहाँ इस ID के थ्रू बाकी सभी के पास पहुँचा जाएगा ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है करने के लिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं डिजिटल आइडेंटिटी क्या है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है, ठीक है, जो भी आप करते हो उस सभी को हम डिजिटल आइडेंटिटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, डिजिटल एट्रीब्यूट एज वेल एज डिजिटल एक्टिविटीज़। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ध्यान रखना, डिजिटल एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल हिस्ट्री, ID नंबर, उसके बाद गवर्नमेंट इशू ID कार्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस से लेके बैंक डिटेल होगी, लॉग इन क्रेडेंशियल्स हो गए, ईमेल, बायोमेट्रिक्स, बैच टोकन, ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ क्या आता है, लाइक कमेंट जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर किया है, फोटो डाली है, इंस्टाग्राम है, परचेज हिस्ट्री है, सर्च क्वेरीज हैं, साइंड पिटिशन, जियो टैगिंग, डाउनलोडिंग ऐप, सेलफोन यूसेज, ये सारे डिजिटल आइडेंटिटी है जो हम काम करते हैं उसके अंदर आता है, ठीक है जी। ओके, तो हम बेसिकली जो फेडरेटर के अंदर है वो एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे उसके साथ लिंक किया जाएगा और एक के थ्रू ही एक्सेस बाकी को लिया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, अ बॉम्ब साइक्लोन हैपन्स व्हेन एटमॉस्फेयर प्रेशर इन द मिडल ऑफ स्टॉर्म ड्रॉप्स एटलीस्ट 24 millibars ओवर 24 hours। सेकेंड, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म आर वेरी डिस्ट्रक्टिव विंड्स विद स्पीड ऑफ 118 to 165 km/h। थर्ड है, द टर्म बॉम्ब साइक्लोन जनरली यूज बाय मेट्रोलॉजिस्ट टू इंडिकेट ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इंटेंसीफाई रैपिडली। वन ओनली, 1 and 2, 2, 3, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है,
बॉम्ब साइक्लोन न्यूज में था, उसके ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखें आंसर तो वन ओनली। अब ये वाली जो चीज़ है मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो आईएमडी ने क्रिटेरिया दिया है। यूपीएससी के अंदर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो विद द टाइम यहाँ पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं बड़े इस टाइप के होते हैं कि हमें जो एक्सपेक्टेड नहीं होता। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए एवरेज के जो क्लासिफिकेशन साइक्लोन की आईएमडी ने कैसे की है, क्योंकि ऑफिशियल गवर्नमेंट की बॉडी ने किया तो फिर वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बॉम्ब साइक्लोन के बारे में अगर पता है तो आप थर्ड स्टेटमेंट भी यहां से निकाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पे बात करते हैं बॉम्ब साइक्लोन की। मिड लैटिट्यूड टेम्परेट रीजन का ही बेसिकली ये उसके लिए टर्म जनरली यूज करते हैं। यहां पे क्या होता है कि देखो हम बोलते हैं कि जो साइक्लोन है लो प्रेशर है ना, स्ट्रेंथन होता है जब टेम्परेचर जो प्रेशर जो है एकदम से इतना गिरता है, क्योंकि जितना लो प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ जो साइक्लोन की देखने को मिलती है ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो एकदम से अगर प्रेशर गिरेगा तो उस टाइम के ऊपर उसको कहलाते हैं, उसको कहते हैं बॉम्ब साइक्लोन। कितना गिरेगा? एटलीस्ट 24 मिलीबार्स ओवर 24 आवर, तब उसकी इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, तब उसको हम बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। कौन कौन से रीजन? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन, नदर्न रीजन ऑफ अटलांटिक ओशियन, साउथ वेस्ट पैसिफिक, सदर रीजन ऑफ अटलांटिक ओशियन, ये कुछ रीजन है जहाँ पे ये देखने को मिलता है। अब आईएमडी की बात करते हैं, आईएमडी ने क्लासिफाई किया है। यहाँ पे आपको ध्यान साइक्लोन स्टॉर्म से आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्वेयर वेरी स्वेयर एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोन, तो यहाँ पे आप किलोमीटर पर आर वाला निकाल लो, किलोमीटर पर आर वाला याद कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको नोट से फॉर्मूला लगा के वो सीख लेना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एग्जाम के अंदर बस ये याद रखना अगर उसके अंदर आ गया तो उसके अंदर कर देना कन्वर्ट वहीं पे। इसके अलावा साइक्लोन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट है साइक्लोन की नेमिंग से लेके उसके अंदर कंडीशंस क्या क्या हैं, है ना, अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल है उनके अंदर कंपेरिजन वगैरह, ये सारा कुछ जो मटीरियल, क्योंकि काफ़ी लेंथी है ये, 2 अप्रैल एंड 18 मई दो दिन जो मैंने ये टॉपिक इसको कवर कराया था। डीएनडी के नाम से आप स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट के ऊपर जाओ, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगा। और इसको पढ़ना कब है? पढ़ना तब है अगर आपको लगता है कि आपके जो बेसिक नोट्स हैं उसके अंदर थोड़ी कमी है, या फिर आपको लगता है कि मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है इतनी, तब पढ़ना है दोस्तों। टाइम नहीं वेस्ट करना, ये मैं पहले भी बताता हूँ, हमेशा ही बताता रहता हूँ, टाइम को आपने सेव करना है, टू द पॉइंट बात रखनी है, क्वेश्चन जो है उनको ठीक करके खुशी नहीं मनानी, उनका एनालिसिस करके हर एक स्टेटमेंट को जज करना है, यही काम है। इसीलिए हम ऐसे एफर्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप दोस्तों उसी तरह ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर फिर गलती करने की गुंजाइश नहीं है। जितनी यहाँ पे करोगे उतनी एग्ज़ाम में कम करोगे, जितनी यहाँ पे आपको लगता है कि आपने स्किप कर दिया एग्ज़ाम में गलतियाँ ही गलतियाँ हैं फिर। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।